गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। चेन्नई से लौटे 64 हिमाचली ज्वालामुखी में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, आज लिए जाएंगे सैंपल। मुंबई ग्वालियर से पहुंचे दो युवक राधास्वामी सत्संग घर में क्वारंटीन, फिलहाल स्वस्थ। कोरोना की भेंट चढ़े खुमानी पलम, न तुड़ान के लिए मिल रही लेबर न ही सही दाम। सिरमौर के सभी स्वास्थ्य खंडों में होंगे कोविड टेस्ट, नाहन पोंटा के चक्रों से छुटकारा। आनी के गांव में तेंदू की दहशत, 3 दिन में नोच खाए ना जाने कितने मवेशी। अब समाचार विस्तार से। ज्वालामुखी में चेन्नई से आए 64 लोगों को गीता भवन ज्वालामुखी, अग्रवाल ट्रस्ट ज्वालामुखी और गोपीमल कुठियाला धर्मशाला ज्वालामुखी में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया है। ये लोग चेन्नई से पठानकोट तक ट्रेन से आए और उसके बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में ज्वालामुखी पहुंचे थे। स्थानीय सिविल अस्पताल ज्वालामुखी के डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि आज इन सभी के सैंपल लिए जाएंगे। तब तक इनके लिए प्रशासन की तरफ से सारे प्रबंध किए गए हैं। इनके रहने खाने पीने आदि की पूरी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन कर रहा है। इनके सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन तय करेगा कि इन्हें उनके घर भेजकर होम क्वारंटीन किया जाएगा या उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। अभी हमारे पास ब्लॉक ज्वालामुखी में 64 पेशेंट आए हैं। पेशेंट तो नहीं मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो क्वारंटाइन किए हुए हैं 64 आदमी आए हुए हैं जो कि चेन्नई से आए हैं, पठानकोट के थ्रू आए हैं। उनको हमने क्वारंटाइन किया हुआ है, स्क्रीनिंग की, अभी तक उनमें कोई ऐसे लक्षण नहीं पाए गए हैं। कल हम उनकी सैंपलिंग करेंगे, देखेंगे, वो स्क्रीन करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसका उपचार करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नगरोटा सूर्य में रेड जोन से आए दो युवकों को राधा स्वामी सत्संग घर में क्वारंटीन किया गया है। खंड विकास अधिकारी ओशन शर्मा ने बताया कि उनके इस विकास खंड के तहत पंचायत सुखनाड़ा से अजय कुमार ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया है और दूसरा युवक रवि कुमार पंचायत कटोरा का रहने वाला है, ये मुंबई से आया है। थर्मल स्कैनिंग में दोनों युवक स्वस्थ पाए गए हैं। रवि कुमार जो मुंबई में ट्रक चालक है ने बताया कि वह मुंबई से एक ट्रक में आया है तथा ये ट्रक जम्मू की तरफ जा रहा था और इसमें करीब 35 लोग थे और 5,000 रुपये किराया देकर पठानकोट पहुंचा था। अजय कुमार ग्वालियर में पढ़ाई करता है, वह सरकार से स्वीकृति लेकर एक बस में रानीताल तक पहुंचा और उसके बाद घर से गाड़ी बुलाकर यहां पहुंचा। इस सेंटर में जो भी लोग ठहराए गए हैं उनके खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था सभी सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अलावा यहां किसी भी व्यक्ति को ना ही इनके परिवार के लोगों को आने जाने की आज्ञा होगी। मेरा नाम रवि कुमार है और मैं मुंबई से आया हूं और मैं और सभी कुमार ऐसा कुछ भी नहीं है मुझे और मैं यहां नगरोटा सूर्या में क्वारंटाइन हूं। हमारे यहां नगरोटा सूर्या में हमने राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो ये सेंटर है इसको चुना है अपने क्वारंटीन इंस्टीट्यूशनल सेंटर के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेड जोन से आ रहे हैं उनको हमारे सेक्रेटरीज, हमारे प्रधान, उप प्रधान सब ट्रेस कर रहे हैं और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी बढ़ चढ़ के जो है वो योगदान आ रहा है। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे दो लोगों को जो है वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया है और इसमें से एक सुखनाड़ा से है और एक कटोरा पंचायत से है। जो सुखनाड़ा से है वो ग्वालियर से आए हैं और वो 16 तारीख को आए थे और जो कटोरा पंचायत से हैं वो मुंबई से आए हैं और ये दोनों ही लड़के जो हैं वो 28 साल के हैं और इनका यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट जो है वो हम अपनी देखरेख में कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे हमारे जो नायब तहसीलदार जी हैं मांटा जी, उनका भी जो है यहाँ पूरा जो है योगदान मुझे और सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन दोनों लड़कों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इनके खान पान से लेकर इनके शौचालय, इनका पानी, एवरीथिंग जो है दैट वुड बी मैनेज्ड हियर बाय BDO ऑफिस एज वेल। जिला सोलन में तैयार खुमानी व पलम की फसल वैश्विक महामारी कोरोना की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। आलम यह है कि इन दिनों जिला के विभिन्न गांव में तैयार पड़ी खुमानी व पलम को तोड़ने के लिए ना तो कोई लेबर मिल रही है और ना ही इसका सब्जी मंडी में रेट मिल रहा है। इसके चलते किसानों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार किसानों को मुनाफा तो दूर, फसल की मेहनत का पैसा पूरा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आगामी दिनों में तैयार होने वाले टमाटर पर भी संकट पैदा होता दिख रहा है। चलो, मेरा नाम दयाराम है और
मैं जिम्मेदार हूँ और हमारे खुरमानी कोई भी ऐसे ही सड़ रहे हैं, कोई बिक नहीं रहे, मंडी पे जाते हैं तो कोई रेट नहीं मिलता, कोई ठेकेदार नहीं है और टमाटर भी लहसुन का भी कोई रेट नहीं है, अभी ऐसे ही सड़ रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वो कुछ जिम्मेदारों के लिए सोचे और करे। मेरा नाम देवी सिंह ठाकुर है, मैं वार्ड पंच भी हूँ निर्मल ग्राम पंचायत नौनी से। जैसे कि ये लॉकडाउन चल रहा है, इसके कारण हमारे को बड़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। जैसे हमारे खुमानी है, पलम है, इसको हम जैसे हमारे यहाँ बाहर से मुसलमान लोग ठेका लेते थे, इसके कारण हम इसको नहीं दे सके। और जैसे सोलन ले जाते हैं तो हमारे को इसका रेट नहीं मिलता। और जैसे हमारे ब्रोकली थी लगाई हुई, हमने पशु को सारी ब्रोकलियाँ खिलाई क्योंकि रेट मिला नहीं। जिला सिरमौर में कोविड 19 के संक्रमण से डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला के सभी स्वास्थ्य खंडों में सैंपलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे। उपायुक्त डॉक्टर आर के परूथी ने बताया कि इससे पहले केवल मेडिकल कॉलेज नाहन तथा पौंटा में ही ये सुविधा उपलब्ध थी तथा जिला के दूर दराज के क्षेत्र के लोगों को जाँच के लिए नाहन व पौंटा आना पड़ता था। अब जिला प्रशासन द्वारा शिलाई, संगड़ा, राजगढ़ और सराह के स्वास्थ्य केंद्रों में भी सैंपलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। इससे सैंपलिंग की गति भी बढ़ेगी और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा भी बनी रहेगी। कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे डॉक्टर्स या हेल्थ वर्कर्स जो सैंपलिंग करते हैं उनकी सेहत भी बरकरार रहे, उनमें किसी तरह का संक्रमण ना हो। तो जिला प्रशासन ने पहले भी अपने स्तर पर यह प्रयास किया था, जो हमारे मेडिकल हॉस्पिटल है नाहन में, मेडिकल कॉलेज नाहन में, वहाँ पर सैंपलिंग बूथ बना के दिया था ताकि डॉक्टर जब सैंपलिंग करते हैं उसमें पूरी तरह उनकी प्रोटेक्शन रहे। एक सैंपलिंग बूथ बना के पहले भी जो हमारा पौंटा में है दे चुके हैं। हमारे जो दूरदराज के डॉक्टर्स हैं, शिलाई में हैं, संगड़ा में हैं, राजगढ़ में हैं, सराह में हैं, वहाँ भी उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है और वहाँ के पेशेंट्स को भी यहाँ लाना पड़ता था टेस्टिंग के लिए। अब ये सुविधा तो है उन लोगों को, वहीं जो चारों हमारे ब्लॉक्स हैं मेडिकल के हॉस्पिटल्स में ये सैंपलिंग बूथ इंस्टॉल कर दिया जाएगा ताकि उन लोगों की वहीं पर सैंपलिंग हो सके, सैंपलिंग उनको नान या पौंटा ना आना पड़े। तो ये फैसिलिटेट करेगा, डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन करेगा और सैंपलिंग की हमारी जो एवरेज है उस गति को बढ़ाएगा। आनी के अंतर्गत कुठेड़ पंचायत के कुठेड़, कटहर व लोन लोट में तेंदुए ने दहशत मचा रखी है। देर रात को भी आदमखोर ने पशुशाला में हमला बोलकर दुधारू गाय को बुरी तरह नोचकर मौत के घाट उतार दिया। पंचायत प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस, पशुपालन विभाग व वन विभाग को दी, जिससे टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि तेंदुआ 3 दिन में लगातार गांव में धावा बोल रहा है और अब तक 4 दुधारू गाय को खा चुका है, जबकि 6 गाय बुरी तरह से जख्मी है। अब सरकार से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग की जा रही है और वन विभाग से तेंदुआ पकड़ने की मांग की है। इस बारे में वन मंडलाधिकारी चंद्रभूषण शर्मा ने बताया कि वन परिक्षेत्र अधिकारी को उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।